तुम रेडी नहीं अब तक? मुझे तो लगा तुम सर्स ड्रेस के पूरी तैयार हो चुकी होगी। हाँ हाँ वेरी फनी। हाँ अभी भी आपके लाडली पीहू को एक ग्लास दूध पिला के आई हूँ, वो भी जबरदस्ती। आजकल वो बहुत जिद्दी हो गई है, बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा कहाँ है मेरा बच्चा? वो रेडी हो गई? वो रेडी, शाम से तैयार होकर बैठी है मैं। आज वो इतनी एक्साइटेड है कि पापा उसे वो बड़े वाले होटल में लेके जा रहे कि अपनी फ्रेंड खुशी के साथ खेलने तक नहीं गई। बाहर कोई ड्राइंग बना रही होगी। वैसे अभी एक बात पूछूं? पूछो ना। क्या जरूरत है? अरे तो मैडम आप एक्साइटेड नहीं हो? याद है तुमने कहा था कि तुम्हारी ख्वाहिश है कि लाइफ में एक बार तुम मेरे साथ ताज पैलेस में खाना खाना चाहती हो? अरे वो तो बस यूं ही कह दिया था मैंने। अगर आज आपको कहूँ कि छान तारे तोड़ पिला तो लेके आओगे? क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। तो इतना ड्रामा मिस्टर सहगल, आज हो क्या गया आपको? किसी और दिन के लिए भी बचा के रखा, वैसे भी कहीं भागी नहीं जा रही। की सोचना भी मत, कहीं जाने नहीं दूंगा तुम्हें, समझी? यस सर, समझ गई। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊं तैयार होने। अभी मैंने आपको कितनी बार मना किया है सर टॉवल बेड पे। गॉगल्स पहनता है, ऐसे छेड़ोगे लड़की को? तो रहने दो बेटा, आपसे ना हो पाएगा। अरे इसी अदा पे तुम फिदा होके तुमने हाँ कही थी मुझे। आपको अभी ऐसा लगता है? नहीं वरना कहाँ मिलेगा मेरे जैसा हॉट बंदा। हॉट नहीं, I mean हाँ, no no अभी stop it। ये वो देख लेगी। Oh shit it's 7:30, we are getting late। दरवाजा खोल दो। ओ साबू मिम साहब आते होंगे, आप लोग आएंगे। अरे पीहू मेरे बच्चा, वाह कितना प्यारा ड्राइंग है ना बच्चा, ये तुमने बनाया है? हाउ स्वीट ना। And here comes the one and only Mr. Abhishek Sehgal. पीहू बेटा, ये खिलौने कहीं पे भी रख देती है, छोड़ दे। कैसे छोटी? आज आ गए बिल्कुल टाइम पे तुम लोग। अरे यार रहने दे। अगर मैंने जल्दी ना करी होती ना तो मैडम अब तक तैयार ही हो रही होती। ओ हेलो, मैं टाइम लेती तैयार होने में। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं 6 बजे ही रेडी हो गई थी। और जरा बताओ अपने दोस्त को कि कैसे तुम्हारी छोटी बुद्धि के कारण हम चांदीवली की जगह कांदीवली पहुँच गए। ओ प्लीज यार, वो इस ड्राइवर की गलती थी। अब यार उसने सही से नहीं सुना तो मैं क्या करूं? अरे रे रे, तुम तो गलती करते ही नहीं हो ना। मुझे पता है ये गधा ही है जो उत्प्रांग चीजें करता रहता है। यार अभी दिस इज नॉट फेयर। हां तू मेरी साइड लेने की बजाय इसकी साइड ले रहा है। ऑब्वियसली इसकी। अच्छा वश बैठो वरना पता कहीं भी शुरू हो जाते हो तुम लोग। मीरा जरा मेहमानों के लिए चाय लेके आना। पी बच्चा इंतजार किया जा रहा है। आई। वैसे आज किस चीज की पार्टी दी जा रही है? अरे वो आज हमारी फर्स्ट मीटिंग एनिवर्सरी है। क्या फर्स्ट मीटिंग? हंस क्या रहे हो? कुछ सीखो अपने दोस्त से, कितना ख्याल रखते हो दोनों का। एक तो मुझे तो खुद तक का मत याद नहीं था। अच्छा अच्छा सुनो तुम लोग निकल जाना, मैं आधे घंटे बाद आऊंगा। अरे ऐसा क्यों? अरे वो आता ही होगा तो सरप्राइज है। पीहू बेटा चलो आ जाओ। हाय हाय, कैसी है? मैं ठीक। अच्छी लगती है। कैसे हो? बढ़िया, तुम कैसी? ठीक।
से ये बताओ कैसे लगे? बहुत ही डिलीशियस। यू शट अप अभी। वैसे ये ड्रेस भी अभी की चॉइस की। नजर ना लग जाए। अच्छा चलो बाकी बातें रास्ते में करते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 8, हमें पहुंचने में भी 1.5 घंटा लग जाएगा। 2 मिनट था, मैं अपना बैग भूल गई थी, फिर को बुलाऊं मैं अभी आ रही। आतंकवाद से नहीं बच पाया। और आप ये दो तस्वीर देख सकते हैं, आपके दाईं तरफ है ताज की लाइव तस्वीर यानी कि इस वक्त वहां के जो हालात हैं, और बाईं तरफ जब ये धमाका हुआ था यानी कि धमाका संभवतः ये धमाका आतंकवादियों ने कराया था, जब शायद उन्हें कहा गया था आर्मी के जवानों ने, आर्मी ने, और उसी के बाद हेलो 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 तुम सब वही हो ना सर? ठीक तो अरे हेलो घायल आतंकवादी को तुरंत नाल में भर्ती कर दिया गया है, लेकिन इसी ऑपरेशन में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हुई है, वो शहीद हुए हैं। इसके चीफ करकरे भी इसमें शहीद हुए हैं। उसके साथ इस पूरे ऑपरेशन में पूरे मुंबई साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर अशोक कामते भी इसमें शहीद हुए हैं, और 7 अलग पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल हैं। लेकिन ये पहली बार आपको जो नजर उस जगह का नजारा है जहां पर
एनकाउंटर किया गया आतंकवादियों का, एक आतंकवादी जिसमें मारा गया है, दूसरे आतंकवादी को नायर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। मैडम आप एक्साइटेड नहीं हो? याद है तुमने कहा था कि तुम्हारी ख्वाहिश है कि लाइफ में एक बार तुम मेरे साथ ताज पैलेस में खाना खाना चाहती हो? भागने की सोचना भी मत, कहीं जाने नहीं दूंगा तुम्हें। दादा ने अपना प्रॉमिस खो दिया।
और इस वक्त भी आतंकवादी दो दो होटलों में घुसे हुए हैं। 60 लोग मारे गए हैं, 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ है, इस बार कहीं बड़ा ब्लास्ट नहीं किया, लेकिन आतंकवादी खुद मौत मौत बनकर उतरे, यमदूत बनकर उतरे, होटलों में घुसे, अंधाधुंध फायरिंग की, स्टेशन के ऊपर रेलवे स्टेशन पर घुसे, अंधाधुंध फायरिंग की, गाड़ी में बैठकर सड़कों पर निकले, फायरिंग करते हुए ग्रेनेड उछाल दिया, टैक्सियों में बम लगा दिए, जहां जैसा मौका मिला वहां वैसे मौत पसंद। ये तस्वीरें बीटी स्टेशन के बाहर।